स्टार्ट कर दिया सर वीडियो। तो मैं प्ले स्टोर में अगर क्लास लगवाने के लिए सोचा यही मैं बॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये इसका स्टिकर है, स्टिकर को काट देते हैं, हम देख सकते हैं इनको बिल है, दो दो बिल दिया है इन लोगों ने और नीचे से अटैच कर रखा है पॉलीथीन से। इसको बाहर निकाल लेते हैं तो इसके बाद इसको हाथ से निकाल लेते हैं, अब इजीली निकल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रहा ब्रांड न्यू एप्पल 11 इंच थर्ड जनरेशन आईपैड प्रो M1 चिप के साथ 258 GB स्टोरेज के साथ। तो यहाँ से इसको साइड से अनबॉक्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है खोलने में, ऐसा लगा बहुत स्मूथ इसकी पैकिंग थी। और यहाँ पर ये डब्बा थोड़ा सा इसको सावधानी से खोलना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, स्लिप हो सकता है हाथ से, तो अभी ये खुलेगा तो इसलिए जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इधर से भी कुछ पैक करके इनको देते हैं वो टेम्पर ग्लास लगाने के लिए। नाम दिखा देना सर, इसका नाम लिखा हुआ है संतोष है नाम लिखा। अरे इंग्रेडिएंट फ्री में करती है कल अपनी तरफ से, जो लोग स्टोर से लेते हैं सभी चीज़ों पर करती है, आईपैड में भी करती है, उसके बाद पेंसिल पर भी और उस पर अपना एयरपोर्ट भी करती है। शक्ल भी अच्छे से दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। अपना टेम्पर ग्लास लगाएंगे, मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि एक यादगार रहे इनका भी। साफ कर दीजिए इसको, देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पर ग्लास लग रहा है, टेम्पर ग्लास जरूरी है। टेम्पर ग्लास लगाने के बाद ही उसको ऑन करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं एप्पल के ऑथराइज स्टोर साकेत में आया था और यहाँ आते आते ही मिल गया और सेलर हैं ये इमेजिन स्टोर, यहाँ है आप भी आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से लगवा सकते हैं। बहुत अच्छा इन लोगों का बिहेवियर है और बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत ही आपको यहाँ पर आकर अच्छा फील होगा और बहुत ही अच्छी आपको हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे मिलेगी और फुल्ली एसी रूम है। यहाँ पे आएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। और देखिए सर अच्छा ये वाला फोटो अब निकल के रखे रखे, चलिए कोई बात नहीं है, दूसरा अभी देखेंगे अंदर निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आईफोन 14 प्रो भी मैक्स भी लग चुका है, ये भी यहाँ पर आ चुका है। ये सब डमी सेट रखे हुए हैं जो अगर आप आएँ तो यहाँ ले सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर और भी ये एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं इमेजिंग स्टोर में। और ये यहाँ मैकबुक प्रो भी यहाँ पे है और ये भी आप देख सकते हैं एप्पल के जो भी हैं सभी है यहाँ पे। एप्पल के बैग्स वगैरह भी हैं जिसमें आप कैरी कर सकते हैं सामान, आईपैड एप्पल का स्मार्ट फोलियो भी है। तो ये दूसरे आईपैड प्रो का फोलियो अलग प्रकार का आता है मैग्नेटिक वाला, और यहाँ पर बैक कवर एक से एक रखा हुआ है जो आप आएंगे तो देख सकते हैं। और आपको पसंद आए तो ज़रूर ले लें क्योंकि बहुत बेहतर इनका कलेक्शन है। यहाँ पर बैग वगैरह भी ये लोग रखे हैं, लोग बैग में आईपैड वगैरह अगर कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आईफोन भी रखी हुई है सभी कुछ, और यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल के टिप्स वगैरह भी रखे हुए हैं और सभी सुविधा से लैस यहाँ पर मैगसेफ चार्जर भी है। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगा। आप देखिए क्लीनिंग कर रहे हैं आईपैड को 11 इंच, मैंने 12.9 इंच इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है और पढ़ाई लिखाई में ले जाने ले आने में नहीं बनता, 11 इंच सही है, ज़्यादा बड़ा लेके क्या फ़ायदा।
ज़्यादा बड़ा लेना है तो टीवी ना ले ले आदमी से, मैंने 11 इंच का ही लिया था। और मैं आपको जब तक ये साफ़ कर रहे हैं, ये वाला लगा रहे हैं, किस कंपनी का है, डीपार्क कंपनी का है, अल्मीनियम सिलिकेट लगा रहे हैं। अच्छा ये वाला उसी में रहता है, मिलेगा ना वाल क्या जो जिससे साफ कर रहे हैं? हाँ ये आपको, ये ठीक है क्लीनिंग के लिए आपको। अच्छा अच्छा हाँ, तो उसको क्लीनिंग करते रहेंगे, सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आईपैड रखा हुआ है, आईपैड एयर भी रखा हुआ है, उसके साथ साथ कीबोर्ड भी लगा हुआ है, मैजिक कीबोर्ड, और यहाँ पर एप्पल की वॉच वगैरह भी रखे हुए हैं। एप्पल अल्ट्रा अभी नहीं है, अल्ट्रा लगता है नहीं आया, टाइम लगेगा स्टोर वगैरह, मैंने कोई ऑनलाइन भी जगह नहीं है, अवेलेबल कहीं नहीं है सर। एप्पल अल्ट्रा तो अभी टाइम लगेगा ना, देखिए लग रहा है पहली बार टेम्पर ग्लास लग रहा है। और मैंने ये लगवाने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल हैं, ये लोग काफ़ी बेहतर से लगाएंगे, और एयर भी नहीं लगेगा। और मैंने कहा कि पेपर लाइक नहीं चाहिए, इन्होंने पूछा था, क्योंकि पेपर लाइक ज़रूरत नहीं है, ये सब बस ज़्यादा ऐसे खर्च कर इसका फ़ायदा यूज मतलब इसमें भी आदमी लिख सकता है। तो टेम्पर ग्लास लगने ही वाला है, लास्ट पे है। और ब्लू डॉट्स मतलब जिसे आप देख सकते हैं, सारे सामान मेरे अभी यही हैं, लगा लेता हूँ। बस कुछ तो बाहर दिखाता हूँ, बस लास्ट पे है फोन वाला है, सबका लगने वाला है। काफ़ी स्लिम सेट है जब मैंने उठाया तो दिक्कत, और ज़्यादा वेट ही नहीं, इस जैसे चलाना भी काफ़ी आसान और आराम से एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी किया जा सकता है। और देख सकते हैं क्लीनिंग कर रहे हैं, इसको तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, पेपर लाइक और इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बस पेपर में आवाज आएगा थोड़ा सा पेपर जैसा, बस और क्या है, सही है। और कुछ नहीं, बस लिखने हाँ लिखने के लिए अच्छा रहे। आप लोग पेपर अच्छा अच्छा आप लोग पेपर लाइक तो नहीं रखते होंगे ना? हाँ सही करते हैं, ओपन हो रहा है, इसको बूट कर ही दीजिए ले जाने से पहले, ताकि पेंसिल चला के देख लें कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ला सब लेके आए, बैक कवर भी लेके आए, इंग्लिश एक्टिवेट कर दीजिए, अभी एक्टिवेट हो रहा है देख सकते हैं आप। कर दीजिए वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए एक्टिवेट, ये टेम्पर ग्लास का काफी स्मूथ होता है, स्मूथनेस बहुत अच्छा है इसका। एक्टिवेट हो रहा है देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट ऊपर से आ रहा है, टाइम भी गलत दिखा रहा है, अभी वाईफाई से पेयर नहीं हुआ ना इसलिए। अच्छा अच्छा पेयर हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हाँ सही है, बाद में पासवर्ड वगैरह लगाते रहे, नॉर्मल एक्टिवेट नॉर्मल कर दीजिए, मैं कर लूँगा वहाँ का। जैसे इस तरह से एक्टिवेट होता है, इसमें सीरियल सब को अभी छोड़ दिया जा रहा है, इसको अच्छे से मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें अच्छे से एक्टिवेट करूँगा, तब तक फर्स्ट टाइम बूट यही हो रहा है एप्पल का आईपैड, मैं इसमें थोड़ा पेंसिल चला के देख लूँगा ताकि चल पा रहा है कि नहीं चल रहा है, हो गया टाइम ठीक हो गया। ये देखिए एक अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है हमारा आईपैड प्रो M1 चिप वाला, और पीछे मेरा नाम लिखा हुआ संतोष, अच्छे से आप पर ऊपर कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ताकि आप अलग से एक मैजिक कीबोर्ड वगैरह लगाते हैं उसके लिए दिया हुआ है, और एप्पल पेंसिल चार्ज करने के लिए इधर साइड में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, यहाँ से एप्पल पेंसिल खुद ब खुद चार्ज होगा, अपने आप अलग से चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है। और ये सारे जो है स्पीकर के जैक है, और यहाँ पर टच स्क्रीन सेंसर भी सुनिए,
टच में फेस आईडी। अच्छा, टच स्क्रीन सेंसर मिनी में है, इसमें नहीं है, इसमें डट नहीं रखा है कंपनी ने, सही है। और ये मेरा लग गया है, अब मैं थोड़ा पेंसिल से इसको चला कर देखूँगा पेंसिल इस पर सही से चलता है या नहीं चलता। और मैं अभी ही इसमें लगा कर देखूँगा अपना जो क्लास हो गया पीछे से कर दूँगा, ताकि मैं पॉज का ऑप्शन नहीं आता क्या? नहीं आता है। अच्छा, कौन जुड़ेगा पॉज का सिस्टम थोड़ा सा मैं भी इसमें पहले बैकपोर लगा था, फिर पेंसिल निकल रहा, ये रहा है पेंसिल, अनबॉक्स कर चुका हूँ, ये रहा हमारा दस तो नहीं आएगा, सात सौ कुछ दस तो नहीं आएगा बस वो नाम पर लेते हैं पैसा। अच्छा, लेकिन इसमें है ऑप्शन, लेकिन पहले पेयर करना पड़ेगा ना आपको पेंसिल। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसको क्या ऑप्शन बोलेगा, पहले पेंसिल पेयर करना वो है, मतलब मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक वाले में वो एक्सपोज कर देता है, नीचे से नहीं रहता है, जब सेफ्टी पर्पस के लिए मैग्नेटिक इतना अच्छा नहीं, मेरा जो सोच है सबका अपना सोच हो सकता है। बट आपने वैसे एप्पल के प्लस तो कराया इसका, फिर तो फ्रीली यूज़ कीजिए, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो मैंने कम नाम बता दिया, टेंशन की क्या बात है, कुछ भी होगा तो मैनेज हो जाए। तो यहाँ पर ये निकल रहा है, लेकिन एप्पल में देना चाहिए था पॉज बटन, कर देंगे आप। अच्छा, कॉल बटन पहले पेयर कीजिए ना, पहले पेयर कनेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा हो गया, तो यहाँ पर कंटिन्यू दे रहा है, कंटिन्यू डन, पेयर हो गया, अब हो गया, पेयर हो गया। अब इसको निकाल के अभी यहाँ पर रखेंगे तो चार्ज भी देगा। ऑटोमेटिक चार्ज होगा, जब आप यूज नहीं करेंगे तो चार्ज ही होगा, लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, कभी बड़ा स्क्रीन में पढ़ने में मजा आएगा और लिखने में भी है, नोट्स से अलावा ये तो रिमाइंडर्स हो गए ना, ये नोट्स में हो ना, लिखने के लिए एक मिनट नोट ना करो, हाँ चलेगा बिल्कुल, पहले टच करो, आ गया, चल रहा है, ओह टच हो गया नीचे आपका, तो ये रहा, नोट्स नोट्स बराबर वाला, बराबर वाला, ये कौन सा, ये रहा, बढ़िया चल रहा है। और धीरे धीरे अभी हाथ बैठेगा, अभी तो फर्स्ट टाइम लग रहे हैं, और ये डबल टच पर ये इरेजर का काम करता है, नहीं कर रहा है, आपने गलत टाइप कर रहे हैं ना, कैसे टाइप करना होगा, डबल टच तो इरेजर का काम करेगा, ऐसे कर रहे हैं आप, इसी तरह करोगे ना आपका करोगा। अच्छा अच्छा, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से डबल क्लिक करने पर फिर ये पेंसिल आ जाएगा, ये इरेजर है, यहाँ डबल टच आ गया, यहाँ डबल टच कर, यहाँ पर, यहाँ पर डबल हाथ बैठने में टाइम लगेगा, हाथ बैठने में टाइम लगेगा ना आपको। हाँ, मैं पहली बार ये पेंसिल यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा टाइम लगता है, इनको मैं प्रैक्टिस से देखें कैसे करती है, देखो आ गया वो, अच्छा अच्छा वो आएगा, हाँ आ गया ना, तो ये पेंसिल बन गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, पहली बार भी मैच करें तो इसको यूज कर लिया, ये पेंसिल से इस पेंसिल को हम इसमें रख सकते हैं, इसको पहले लगा लेते हैं, इसको केस में इस तरह जाएगा ना। हाँ, किस किस साइड से जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट है, फिर उसको उठा के लगाना पड़ेगा, क्या आ गया, फिक्स है ना, उल्टा हो गया, टूट ना जाए, टूट ना जाए, उल्टा हो गया, कम है, छोटा ही है ना, ऐसे करीब नहीं लगेगा, देखो आ गया ना, हाँ ठीक, उल्टा लग, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, चार्ज भी हो रहा है ना, लग गया, उसको रख के देख लेते हैं एक बार कि वो काम करता है कि नहीं करता है, किस तरफ रखा था इसको, ये ठीक है, ये हो गया वॉचिंग मोड और टाइपिंग मोड के लिए, तो ये हो गया टाइप,
मिठाई दी। लिट्टी का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इसको सबको नोट नाउ करते हैं, बाद में सब कैसे चेक करेंगे। वो कपड़ा पूछे वगैरह कर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा iPad Pro का डब्बा है और इसका अनबॉक्सिंग हो रहा था। इस अनबॉक्सिंग में हमने देख लिया था iPad। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसको धीरे से ओपन करना है, तो थोड़ा सा ये टाइट पड़ता है। तो आप इसको दोनों तरफ से खींचे, नहीं तो इसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो आप अच्छे से देख लें, ऐसे ऐसे करें और ये खुल जाएगा। उसके बाद आप देखें मेरा डब्बा, डब्बा में ये वाइट वाला पेज है, इसको हम खोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा निकलता है डाटा केबल टाइप सी टू टाइप सी, यानी दोनों तरफ टाइप सी। और ये है हमारा 12 वॉट चार्जर, और ये सारे हैं पेपर वॉक्स। तो इसको हम लोग निकालेंगे और देखेंगे। पहले पेपर वॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर पेपर वॉक्स जो थे उसको निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया इसमें लिखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं ये iPad Pro का कागज़ है, जिसमें लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, फ़ोटो वगैरह बना रखा है, सारा डिटेल दिया रखा है। इसको रखते हैं साइड में और उसके बाद हम फिर और देखते हैं इसमें और क्या है। तो इसमें हमको एप्पल के स्टिकर्स मिलते हैं जो कि अंदर है। इसको निकालता हूँ, थोड़ी सी सटिंग हुई चले निकल गया। तो ये रहे दो एप्पल के स्टिकर्स जो इसमें अवेलेबल हैं, जिसे आप देख सकते हैं।